महाराष्ट्र के ठाणे में उल्लासनगर में ननौर दंपति की आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए चार लोगों को सोमवार को एक जिला अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नंद कुमार ननौरे और उनकी पत्नी उज्ज्वला ने 1 अगस्त को अपने बंगले से कूदकर अपनी जान दे दी थी और घटना स्थल पर मिले एक सुसाइड नोट में कुछ लोगों के नाम लिखे थे। पुलिस की जांच में कमलेश निकम, शशिकांत साठे, नरेश गायकवाड़ और गणपति कांबले को आरोपी बनाया गया है। इस बीच सुसाइड नोट में कथित तौर पर एक सांसद सहित नामित अन्य लोगों ने अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की और ये मामला सोमवार को सुनवाई के लिए आया। आरोपियों में से एक की ओर से पेश वकील गोपाल भगत ने कहा कि पुलिस अपने पैर पीछे खींच रही है क्योंकि आरोपियों में से एक सत्तारूढ़ पार्टी का सांसद है। कोर्ट ने MCR दिया है, मतलब मैजिस्ट्रेट कस्टडी में भेजा है आज आरोपियों को, और जो इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है, जो मुख्य आरोपी है वो ऑलरेडी कुछ बेल आउट है, कुछ पाइजे आरोपी में है, तो इसलिए अभी जो ये जो आरोपी थे इनका रोल क्या है ये इस्टेब्लिश करने के लिए काफ़ी टाइम मिल गया है। पुलिस प्रशासन को 9 दिन का काफ़ी समय मिला था कि जानने के लिए कि इनका स्पेसिफिक रोल क्या है, और इनका कोई मेजर रोल नहीं है इसमें, इसलिए आज कोर्ट ने इनको MCR दे